हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पटाटो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पैन लेना है। पैन में 2 टी स्पून ऑयल डालेंगे हम, और ऑयल को हीट करेंगे ताकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। और क्रिस्पी पटाटो के लिए हम बिल्कुल भी नो पानी का इस्तेमाल करेंगे, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से ये सब्ज़ी बनेगी। तो सबसे पहले हम इसमें मेथी दाना डालेंगे। 1/2 टीस्पून मेथी दाना लिया है हमने, और उसको मेथी दाने को लाल करेंगे, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि हमारी ऑयल में हल्दी भी फ्राई हो जाए। और यहाँ पर मैंने 3 पटाटोज लिए हैं, इसको चिप्स के स्टाइल में मैंने काट लिया था। तो इसको ऑयल में हमें पटाटोज को डाल देना है, और इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है इसी ऑयल में। आलू को हम अच्छे से फ्राई करेंगे हर तरफ से, ताकि हमारे ऑयल में और हल्दी भी इस पे चढ़ जाएगी, और अच्छे से हमारा आलू जो है फ्राई हो जाएगा ऑयल में। तो हमें 2 मिनट तक के आलू को फ्राई करते रहना है ऐसे ही। ये क्रिस्पी पटाटो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ये झटपट बन जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन्होंने मुझे पैसे ले सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी जल्दी वॉचिंग टाइम मेरा पूरा करें ताकि जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो मेरे पोटैटोज़ जो हैं फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये कुरकुरे बनते हैं। इसको चारों तरफ से हमें फ्राई कर लेना है पलट पलट करके, ताकि हमारा पोटैटोज हर तरफ से फ्राई हो जाए और लाल हो जाए फ्राई होके। यहाँ पे मैंने 3-4 ग्रीन ड्राई चिलीज ली थी, इसको चॉप्ड कर लिया था। तो उसको हमने चॉप करके इसमें डाला है। आप देख सकते हैं ये सूखे लाल मिर्च हैं, ये सबके पास अवेलेबल होते हैं। तो आप भी ऐसे सब्जी बनाएं झटपट, ये अपने बच्चों को टिफिन में भी बांध सकते हैं आप, और ये हम लोग दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कभी कभी दाल बनाए तो आप ये क्रिस्पी पटाटो बना के रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब इसमें ऊपर से 1/2 टीस्पून हम सॉल्ट डालेंगे। और इसमें 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे। यहाँ पे मैंने कैच का गरम मसाला इस्तेमाल किया है। ये मार्केट का, हम सब्जी के लिए मार्केट का ही गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी शॉप से अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, आप कोई भी शॉप पे जाके आराम से ले सकते हैं। गरम मसाला मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसको डाल दिया है, और इसको अच्छे से चारों तरफ से फ्राई करेंगे। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, हमको बिल्कुल क्रिस्पी पोटैटो बनाना है। अब इसको हम ढक्कन ढक देंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई, 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि हमारा जो है पोटैटोज अच्छे से हो जाए। अब 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मेरे आलू पूरी तरीके से गल चुके हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको प्लेट में सर्व करेंगे। ऊपर से हम कोरिएंडर लीव्स से डेकोरेट करेंगे इसको। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और क्रिस्पी पोटैटो बनाए और आप भी खाएं, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये क्रिस्पी पोटैटो कैसे लगे हैं। और वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।